वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। व्लॉग समझिए या वीडियो समझिए, बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही खास इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। और इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि अगर आप अभी नहीं रहते दूसरे देश में या अभी नहीं जा रहे, तो कभी ना कभी तो जाओगे दूसरे देश में। तो सबके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि सबको मीन्स मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मीन्स फ्रेंड्स पूछते हैं, सारे मेरे कमेंट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में, सब लोग पूछते हैं कि आप लोग अगर यहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे सब कुछ मिलता है क्या, मीन्स जैसे कि खाने पीने की। सबको मीन्स ऐसी कन्फ्यूजन रहती है कि हमारे कपड़े ड्रेस सबके बारे में कन्फ्यूजन रहते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर करती हूँ और आज मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ बताऊंगी, जैसे कि खाने के बारे में, यहाँ पे सब कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। और जो जिन लोगों के मन में ऐसा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मीन्स अगर वो लोग कुछ इंडिया के हैं, नेपाल पाकिस्तान जो भी सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता होगा कि अगर हम दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ पे पता नहीं हम लोगों का खाना पीना वहाँ पे कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, तो हम लोगों को मीन्स कैसा होगा वहाँ पे जाने के बाद। सबको ऐसा क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि मुझे भी आया था जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आने वाली थी। उससे पहले मुझे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे मन में, बट मुझे किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है या नहीं। हाँ, बट मुझे यहाँ आने के बाद बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और अगर बहुत सारे लोग इंडिया से है तो उनको भी पता नहीं होगा कि यहाँ पे क्या मिलता है या नहीं, जैसे कि मैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा उन लोगों को टेंशन रहती है जो दूसरे देश में जाना चाहते हैं बट वो है वेजिटेरियन। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा चिंता टेंशन रहता है कि अगर हम दूसरे देश में जा रहे तो वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता है या नहीं, मीन्स वेज फूड मिलता है या नहीं। तो उन लोग लेने की बात नहीं है, फिर भी सब लोगों को लगता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों का टेंशन दूर करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती जो कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में ही वो मिलती है, तो कोई कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती, बट मोस्ट ऑफ दी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है और उसके रेट कैसे रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सारे प्रकार के मिल्क मिलते हैं, सभी टाइप के मिल्क मिलते हैं, जैसे कि बटर मिल्क मिलता है यहाँ पे, जो लेबन है और इसको बटर मिल्क बोलते हैं, और फुल फैट मिल्क मिलता है, लो फैट मिल्क मिलता है, और डबल फैट मिल्क, और सब कुछ सारे प्रकार के मिल्क मिलते हैं हमें यहाँ पे। तो ब्लू कलर में जो मिलते हैं वो 100% फुल फैट मिल्क रहता है, और लो फैट जो रहते हैं वो रेड कलर की बॉटल में आते हैं, और ये जो ब्राउन कलर की बॉटल हम लोगों को दिख रही है वो है डबल फैट मिल्क। तो ये भी यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे कैमल का मिल्क भी मिलता है, जो कि कई कई लोग यहाँ मीन्स यहाँ के लोग जो पीते हैं कैमल का मिल्क मिलता है, तो वो भी। और बाकी के भी हमें फ्लेवर्ड मिल्क और ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो चलिए फिर मिल्क के बारे में तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो अभी देखते हैं दूसरा और भी क्या क्या मिलता है यहाँ पे। Thank you.
जाओ।